इस्कॉन केंद्र आशियाना पर आगामी 4 फरवरी 2024 को होने वाली श्री कृष्ण बलराम शोभा यात्रा के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मुरादाबाद केंद्र प्रबंधक उज्जवल सुंदर दास ने बताया कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान श्री कृष्ण बलराम की यात्रा का आयोजन बड़ी ही धूमधाम से किया जा रहा है, जिसमें मुरादाबाद के सभी भक्त बड़े ही उत्साह से इस कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे हैं। कार्यक्रम को उत्साह से पूर्ण करने के लिए सभी जिम्मेदारियों के लिए सेवाओं तथा कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि इस बार यह शोभा यात्रा राजकीय इंटर कॉलेज मुगलपुरा चौक से दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होकर मुरादाबाद के विभिन्न मार्ग पानदरीबा, मंडी चौक, अमरोहा गेट, चौमुक्का पुल, गंजगुरट्टी से पीली कोठी, महिला थाना कमिश्नर आवास, देव विहार, PSC मधुबनी चौक, किला, सेलटेक्स ऑफिस से होते हुए MIT कॉलेज पर विराम होगी, जिसमें यात्रा का मुख्य आकर्षण केंद्र हरिनाम संकीर्तन, विदेशी भक्तों द्वारा, रॉक बैंड द्वारा विभिन्न झांकियां निकाली जाएंगी। इसमें भगवान की जगह जगह आरती, स्पेशल क्रेन द्वारा 56 भोग का लगाया जाना महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र रहेगा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश के जनरल सुपरवाइजर श्रीमान सुंदर गोपाल दास, श्रीमान आदिकर्ता दास जी रहेंगे। आज की मीटिंग में प्रमुख रूप से सचिन नंदन दास, राधिका माधव दास, आचिंत्य कृष्ण दास, अरुण उदय प्रभु, मोहित अग्रवाल, साक्षी गौरांग दास, शिव कुमार प्रभु, वंशीधारी दास, शरण प्रिय दास, विद्वान गौरांग दास, उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी राधा कांत गिरधारी दास ने दी। आपको नाम जानते हरे कृष्णा, तो मेरा नाम उज्जवल सुंदर दास है जी। जो ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भवन मिशन इस्कॉन जो है कि पूरी दुनिया में भगवान श्री श्री कृष्ण बलराम की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, और बड़े सौभाग्य की बात है कि श्रील प्रभुपाद जी के जो ये जो इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी, उन्हीं की आज कृपा से पूरी दुनिया में रथ यात्रा निकाला जाए, जो कि हर साल की भांति इस बार भी बड़े ही धूमधाम से रथ यात्रा महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें काफ़ी सारे भक्त लोग विदेश विदेश से भी आ रहे हैं, और कुछ भक्त विदेश के भक्त लोग आ चुके हैं, जो कि हरिनाम संकीर्तन ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है देसी भक्तों के द्वारा। और फिर सबसे मुख्य जो आकर्षण का केंद्र रहेगा इसमें रॉक बैंड कीर्तन है, जो कि गौरामणी माता जी के द्वारा रॉक बैंड कीर्तन, जो कि बहुत ही माता जी काफ़ी अच्छा कीर्तनियाँ हैं, वो कीर्तन करती हैं, और काफ़ी वरिष्ठ भक्त लोग जो कि इस्कॉन से, दिल्ली से, गाज़ियाबाद से, काफ़ी सारे जगह से भक्त लोग भी आ रहे हैं, और 56 भोग भगवान को क्रेन के द्वारा लगाया जाएगा भगवान को। और इस रथ यात्रा का एकमात्र उद्देश्य है कि भगवान जो है कि अपना दर्शन देने के लिए सब लोगों को, मुरादाबाद के लोगों को आ रहे हैं अपना दर्शन देने के लिए। आप देख सकते हैं कि भगवान अब दर्शन देने से पहले इंद्र की भी कृपा हो चुकी है, पूरे शहर की धुलाई साफ सफाई हो चुकी है, पूरे दया भक्त लोग तैयारी में हैं, सबको पूरे शहर के लोग हमने इन्वाइट किया है ना, जैसे जैसे पंपलेट के माध्यम से, इन्विटेशन कार्ड के माध्यम से, और कई सारे मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करें ताकि आप आएँ और भगवान का दर्शन प्राप्त करें और भगवान की कृपा को प्राप्त करें। और सबसे बड़ा और भी आकर्षण केंद्र है कि जो हम लोग जहाँ शुरुआत करेंगे वहाँ पे भी कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा, और GIC इंटर कॉलेज से वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, और जहाँ पर समापन होगा वहाँ पर भी ये कार्यक्रम वहाँ पर संध्या के समय। तो ये रथ यात्रा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से पानदरीबा, मंडी चौक, अमरोहा गेट, चमक्का पुल, गंज होते हुए पीली कोठी, सिविल लाइन्स और MIT कॉलेज तक ये समापन हो गए, जो कि सेलटेक्स चौराहा, किला, मधुबनी चौक, PSC चौराहा, देव विहार, सब और अलग अलग जगह से होते हुए सब भक्त लोग खूब सुंदर सुंदर झांकियाँ भी लगाई जाएंगी इसमें। और रथ यात्रा आते समय काफ़ी सारे उनके वेलकम स्वागत के लिए भी पॉइंट बनाए गए हैं वहाँ पर, जो फूलमाला से लोग स्वागत करेंगे, और काफ़ी सारे सांस्कृतिक झांकियाँ रहेंगी इसमें, जो कि रथ के माध्यम से और भगवान के लोग दर्शन प्राप्त करेंगे। और आप सब लोग भी, हम मुरादाबाद के वासी सबसे निवेदन कर रहे हैं, आप लोग आइए, भगवान का रथ खींचिए और भगवान की विशेष कृपा को प्राप्त कीजिए। हरे कृष्ण।